दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उन गाड़ी के बारे में जिनके ब्रांड डिफरेंट हैं लेकिन इंजन वो सेम दे रहे हैं अपनी गाड़ियों में। तो पहली गाड़ी है रेनॉल्ट क्विड एंड रेनॉल्ट की ट्राइबर। इन दोनों गाड़ियों में 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। दोनों पेट्रोल इंजन है एंड इंजन की ट्यूनिंग की गई है दोनों गाड़ियों में। एक की पावर थोड़ी सी कम है, एक की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जो ट्राइबर है उसमें 7 सीटर गाड़ी वो कह रहे हैं, सो इसलिए उसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। तो क्विड की बात करें तो 67 हॉर्स पावर एंड 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इस गाड़ी में प्रोड्यूस होती है। ये दोनों गाड़ियाँ एंट्री लेवल में हैं। जो क्विड है वो एंट्री लेवल कार है एंड जो 7 सीटर ट्राइबर निकाली है वो भी एंट्री लेवल है, 5+2 सीटर है ये गाड़ी। इंडियन मार्केट में इस टाइम ट्राइबर की सेल अच्छी है एंड जिस गाड़ी ने NCPA क्रैश रेटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया है सो लोग इसको अभी ले रहे हैं। एंड ट्राइबर में 71 हॉर्स पावर एंड 96 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस होती है। सो आपने इन दोनों गाड़ी का देख लिया। तो दूसरे नंबर लिस्ट में आता है जो नाम वो है मारुति की सिलेरियो का एंड वैगनर का। दोनों मारुति की गाड़ियां हैं एंड दोनों में 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन यूज़ किया गया है। बोथ एंट्री लेवल कार्स हैं, दोनों हैचबैक कैटेगरी में आती हैं। मारुति की दोनों गाड़ी काफ़ी बिकती हैं, काफ़ी लोगों के पॉपुलर हैं क्योंकि मारुति एक ब्रांड है जो इंडिया में बहुत सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है एंड इन गाड़ियों की रीसेल भी काफ़ी है। इन दोनों गाड़ियों की बॉडी स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वैगनार में टॉल बॉय स्टांस है लेकिन जो सिलेरियो है वो सोफिस्टिकेटेड सिंपल डिज़ाइन पर गाड़ी आधारित है। तो वैगनार में 1.2 लीटर अपग्रेड करने की ऑप्शन है जो लोग ज़्यादा लेते हैं ये वाला, बट सिलेरियो में नहीं है। तो सिलेरियो में ऑटो शिफ्ट भी आता है जो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इंजन जो गाड़ी का है वो 67 हॉर्स पावर एंड 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। हम यहाँ पर 1.0 लीटर NA इंजन की बात कर रहे हैं। पावर डिलीवरी इन दोनों गाड़ियों की डिफरेंट है क्योंकि गाड़ी का वेट भी मैटर करता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस एंड हुंडई वर्ना के बारे में। एंड आप देखेंगे वर्ना का भी नाम आया यहाँ पर क्योंकि वर्ना में भी 1.0 लीटर का GDI इंजन आता है। आप लोगों ने ज़्यादा वर्ना का 1.6 या 1.4 इंजन देखा होगा। जी हाँ, हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस एंड सी सेगमेंट जो हुंडई वर्ना है उसमें 1.0 लीटर का इंजन आता है। 3 सिलेंडर GDI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, पेट्रोल के साथ टर्बो दिया गया है। एंड इन दोनों गाड़ियों की इंजन की ट्यूनिंग में फ़र्क दिया गया है बिकॉज वर्ना पावर वाली गाड़ी है, वरना जनरेट करती है 120 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट जब हम बात करते हैं ग्रैंड i10 की, गाड़ी हैचबैक सेगमेंट में है सो 100 PS ऑफ पावर ये गाड़ी जनरेट करती है एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। टॉर्क तकरीबन सेम है सो आप देख सकते हैं पंचीनेस ज़्यादा किस में होगा। सो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्या आपको पता था कि हुंडई वर्ना में भी 1.0 लीटर का पेट्रोल टर्बो इंजन आता है। अगर पता था तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम चौथे नंबर पर जिनकी गाड़ी में बात करने वाले हैं वो गाड़ियां हैं निसान की मैग्नाइट एंड रेनॉल्ट की काइगर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेनॉल्ट एंड निसान काफ़ी कुछ कॉमन रखती हैं अपनी गाड़ियों के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में जो गाड़ी लॉन्च की थी तो उनमें भी 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन कॉमन है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो गाड़ी निसान लॉन्च करेगी वो बाद में रेनॉल्ट करेगी, जहाँ पहले जो रेनॉल्ट करेगी तो निसान करेगी। तो इन दोनों गाड़ियों की बात करें, रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं इन कार कंपनीज़ के एंड दोनों गाड़ियों में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आ रहा है जो 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कर रहा है। ये हैचबैक से ऊपर वाली कैटेगरी की गाड़ियां हैं एंड गाड़ियां देखने में बहुत अच्छी हैं। दोनों गाड़ियों बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ा सा ये मार खा रही हैं निसान एंड रेनॉल्ट की होने के कारण, क्योंकि लोग इन गाड़ियों में जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड रीसेल को लेकर थोड़ा सा डाउट में हैं लोग। बट ये गाड़ियाँ देखने में बहुत अच्छी हैं, काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ियाँ हैं एंड कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। लिस्ट में हम पाँचवें नंबर पर आते हैं तो आ रही है काफ़ी पॉपुलर कार हुंडई की क्रेटा एंड जो सेम इंजन यूज़ किया गया है क्रेटा के साथ में वो है किया सोनेट का। जी हाँ, किया सोनेट। तो दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर का U2 इंजन यूज़ किया गया है। CRDI इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, डीजल इंजन है। दोनों ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं दिखने में एंड दोनों फीचर लोडेड गाड़ियाँ हैं।
आप जानते हो कि हुंडई एंड किया आपस में कुछ कुछ शेयर करती हैं प्लेटफॉर्म। तो किया सोनेट का सेम इंजन है जो यूज़ किया गया है क्रेटा में, एंड सेम स्टेट में है, सेम पावर निकालता है, सेम टॉर्क निकालता है। तो इंजन प्रोवाइड वेरी गुड पावर टू द वेट रेशियो। मैं बात कर रहा हूँ किया सोनेट के बारे में। गाड़ी क्रेटा के मुकाबले थोड़ी सी छोटी है, लेकिन सेम इंजन होने के कारण बॉडी टू वेट रेशियो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त पिकअप है गाड़ी की। 1.5 टर्बो डीजल इंजन है जो किया सोनेट एंड क्रेटा में शेयर हो रहा है। पावर की बात करें तो 115 PS ऑफ ज़बरदस्त पावर है एंड 215 Nm ऑफ टॉर्क है। दोनों गाड़ियों में बड़े ज़बरदस्त फीचर हैं एंड काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हमने देखी वो पांच कंपनियां जो आपस में इंजन शेयर कर रही हैं दूसरी कंपनियों के साथ में अपनी गाड़ियों को लेकर। तो और भी पांच गाड़ियों का वीडियो आएगा, आप चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।